Hello, my dear student. My name is Nuseb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. Student, हमने last lecture के अंदर sodium से लेके calcium के जो electron oxidation state होते हैं उनके बारे में discussion किया था. तो आज हमारा topic है oxidation state. यानी oxidation state के बारे में ही discussion करेंगे. यानी oxidation अंक बोलते हैं इसको. ऑक्सीकरण अंक का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक कहते हैं. प्लस चार्ज कब आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव कर देते हैं. और माइनस चार्ज कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देते हैं. तो आज अपन बात करेंगे स्कैंडियम से लेके ज़ेडन तक के ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट. तो अब स्कैंडियम है अपने पास में, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है. इसके ऊपर बात करें इस पे चार्ज क्या होता है, तो प्लस 3 चार्ज होता है. देखो कैसे प्लस 3 चार्ज होता है. जैसे फर्स्ट पहला सेल है, पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे वाले ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब ये जो तीसरे वाला ऑर्बिट होता है वो 3 सब सेल से मिलकर बना होता है, एक तो 3s से, एक 3p से और एक 3d से. इसके बाद में एक और सेल होता है जो 4s 4p 4d और 4f से मिलकर बना होता है. क्लियर है? तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन तो अपन फिल कर देंगे. अब अपने पास में बचे हैं 11 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर से 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. अब ये हो गए 18 एलिमेंट, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब आपके पास बचे हैं पूरे 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल के अंदर फिल्ड करेंगे ये अपन को जानना है. तो स्टूडेंट ये 3 इलेक्ट्रॉन एक तो फिल्ड करेंगे 4s में और एक इलेक्ट्रॉन अपन फिल्ड करेंगे 3d के अंदर. यानी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड करेंगे अपन, 2, और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल्ड करेंगे. तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर मैक्सिमम 2 और 1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, जिसकी वजह से तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं. इसलिए स्कैंडियम पे चार्ज क्या होता है, प्लस 3 चार्ज आता है. और एक और बात देखो समझो, डीप लो का एलिमेंट है, मोस्टली डीप लो के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चेंजमेंट होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी बदलती रहती है. कभी तो प्लस 3, कभी तो जो है प्लस 3 शो करता है स्कैंडियम, कभी प्लस 2 शो करता है. क्लियर है? अब स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम. स्किन टाई वाली क्रीम मांगे फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ये जो ट्रिक है याद करने की. अब देखो टाइटेनियम की बात करें तो इसके ऊपर आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d के अंदर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन. अब चेंजमेंट शो करता है, चेंजमेंट मतलब अगर 4s के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो +4. ये जो है अब अलग अलग शो करेंगे, इनके पास ढूंढे वाले सराउंडिंग एटम कौन से है उन पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. मोस्टली मेटल है ये, और मेटल का करेक्टर होता है कि वो हमेशा अपने ऊपर प्लस चार्ज रखते हैं, कभी भी मेटल पे माइनस चार्ज कभी भी नहीं आता है. मोस्टली और हमेशा ऑलवेज प्लस चार्ज ही मेटल के ऊपर आता है. अब प्लस चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे. तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट और एस ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. क्लियर है? अब देखो आप 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. अगर 2 इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव कर दें तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2. अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी आपके पास,
3D के अंदर बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन, अगर एक और इलेक्ट्रॉन कर दे तो प्लस थ्री में आ जाएगा, अगर एक और कर दे तो प्लस फोर। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है टाइटेनियम की। टाइटेनियम के बाद में आता है वेनेडियम। ये वेनेडियम के ये 22 पे आता है और 23 पे आता है। तो अब क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 और 4s2। अब आउटर मोस्ट सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दे तो प्लस टू, अगर एक और कर दे 3d के अंदर से तो प्लस थ्री, प्लस फोर और प्लस फाइव तक। तो यानी वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाएगा, प्लस थ्री, प्लस फोर और प्लस फाइव। क्लियर है? अभी डिपेंड करता है वेनेडियम के साथ में कौन जुड़ा हुआ है। अगर तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो प्लस थ्री में होगा, अगर चार क्लोरीन जुड़े हुए तो प्लस फोर में होगा, अगर पांच क्लोरीन जुड़े हुए तो प्लस फाइव में। क्लियर है? क्रोमियम की बात करते हैं अपन, 24 नंबर पे आता है तो इसका प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव और प्लस सिक्स तक होता है। मैग्नीज की बात करें तो प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स और प्लस सेवन तक। मैग्नीज एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन तक होती है। क्लियर है? अब उसके बाद देखो आप, Fe की बात करता हूं मैं। Fe 26 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है देखेंगे आप, 3d में ऑर्बिट बनते हैं 5 और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दे तो प्लस टू। क्लियर है? एक एक और कर दे तो प्लस थ्री, फिर प्लस फोर, फिर प्लस फाइव, फिर प्लस सिक्स तक ये शो करता है। प्लस सेवन और प्लस एट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लस टू के बाद में प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव और प्लस सिक्स। फिर इसकी चलती है प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर और प्लस फाइव। निकल की होती है प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फोर तक जो है निकल की होती है। फिर इसकी बात करें अपन, प्लस वन और प्लस टू होती है और ZN की ओनली कितनी होती है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब आपको ये नीचे वाले एलिमेंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता नहीं है। तो आप इनको याद कर लो, अगले लेक्चर में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आए। क्योंकि यहाँ से डी ऑर्बिट के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाफ फीड इनको मिल जाता है, यानी अर्ध पूर्ण पूरी कक्षक इनको मिल जाता है, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाते हैं और स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालते। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी क्योंकि एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहता है, अपने अंदर स्टेबिलिटी को जो है चाहता है। तो स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। जो है अगले जो आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।